प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक शुरू। धारा 370 हटने के बाद पहली बैठक, 8 पार्टियों के 14 नेता हो रहे हैं शामिल। बहुजन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने प्रधानमंत्री मोदी की कश्मीर के नेताओं के साथ हो रही बैठक को बताया सही, बैठक को बताया जम्मू कश्मीर के लिए लाभदायी। महाराष्ट्र में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता रही 3.7, किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं। कांग्रेस की वर्चुअल मीटिंग में सोनिया गांधी ने जताई कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिंता, सरकार से तीसरी लहर को रोकने के लिए की अपील। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल तजाकिस्तान में SCO की बैठक में हुए शामिल। डोवाल ने कहा, आतंकियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीक पर निगरानी की आवश्यकता। वहीं 12वीं की परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, कहा 31 जुलाई तक सभी बोर्ड असेसमेंट स्कीम के आधार पर जारी करे परिणाम। चीन की बनाई हुई कोरोना वैक्सीन से नहीं रुक रहा संक्रमण, सेशेल्स और बहरीन जैसे देशों में वैक्सीन लगवाने के बाद भी संक्रमण में कमी नहीं। चीन ने कई देशों को निर्यात की है वैक्सीन। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हार के बाद कोहली की कप्तानी पर उठे सवाल, सोशल मीडिया पर कोहली और रवि शास्त्री को कोच और कप्तान पद से हटाने की मांग कर रहे हैं लोग। स्टेप डाउन कोहली, हैशटैग हुआ ट्रेंड। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम का हुआ ऐलान, मनप्रीत सिंह संभालेंगे भारतीय हॉकी टीम की कमान। और हॉलीवुड मूवी सुसाइड स्क्वाड का ट्रेलर हुआ रिलीज, भारत में 6 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म, दर्शकों को पसंद आ रहा है फिल्म का ट्रेलर।